हरे कृष्णा राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह की इल्ली गुनिया की कहानी बताती हूँ। बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। इल्ली होती है रेंगने वाले कीड़े की एक प्रजाति और घुन होता है छोटा सा कीड़ा जो अनाज में भी लग जाता है। ये इल्ली और घुन एक साथ राजा के बगीचे में रहते थे। एक दिन इल्ली ने बगीचे में घूमती राजकुमारी से कार्तिक स्नान का महत्व सुना तो वो घुन से बोली कि आओ घुन कार्तिक का स्नान करे। घुन बोला, तू तो पेट भर के पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है तो मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली ने घुन को बहुत मनाया, बहुत समझाया, पर घुन नहीं माना। इसके बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर कार्तिक स्नान के लिए चली गई और घुन वही बगीचे में ही रह गया। पूरा कार्तिक इल्ली राजकुमार के कपड़ों से चिपकी रही और राजकुमारी के नहाने के पानी के छींटों से बहुत खुश हुई। वही उसका कार्तिक स्नान था। दैव योग से कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों इल्ली और घुन मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया और घुन उसी राजा के यहाँ गधा बना। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वो ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई और दैव योग से राजकुमारी को अपने पिछले जन्मों का भान हो गया। उसे ये भी पता चल गया कि जो उसके घर में गधा है वही उसके पिछले जन्म का साथी घुन है। राजकुमारी बड़ी हैरानी से अपने पिछले जन्म को सोच रही थी, तभी राजा रानी दोनों उसके पास आए और बोले, ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई बेटी? बेटी क्या तुझे कुछ मांगना है? जो चाहिए वो बोल, कोई भी इच्छा अपने मन में मत रख। लड़की बोली, मुझे तो ये गधा चाहिए। ये सुनकर राजा रानी बोले, ये क्या मांग रही है, कुछ और मांग, ये भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पे अड़ गई और बोली, मुझे तो ये गधा ही चाहिए, तभी ससुराल जाऊंगी। राजा रानी दोनों हैरान थे, पर बेटी की इच्छा सोचते हुए गधा उसे दे दिया। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वो भी चला गया। अपने ससुराल के महल पहुंचकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ियों से बांध दिया। उसने गधे को पिछले जन्म की बात बताई तो गधे को भी अपने पिछले जन्म का बोध हो गया। वो राजकुमारी से इंसानों की भाषा में बात करने लगा। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतर रही थी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली, जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया, तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा, अब जा बाजरा ही खा। लड़की और गधे की बातें उसकी देवरानी जेठानी ने सुन ली। वे दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह के ले आए हो, ये तो जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों पर छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। ये सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बातें कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरतों का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो अड़ा रहा, बोला, नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें राजकुमार को बता दी। उसने राजकुमार को बताया कि वो इल्ली थी और ये गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम से ये इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक नाह स्नान का इतना पुण्य होता है? रानी ने कहा, हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुख पूर्वक रह सके। रानी ने उसकी बात का समर्थन किया। दोनों ने जोड़े से स्नान किया और उनके पास खूब धन दौलत संतान वैभव आ गया। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने इल्ली को बुद्धि दी और फल दिया वैसे ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसी बुद्धि किसी को ना देना। बोलो कार्तिक के देव की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कार्तिक माँ की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।